सुप्रभा गहरा विश्वास जी, है। आपको सुप्रभातम। सुप्रभात सर। अच्छा सुप्रभा जी, मैं जरा जानना चाहूंगा, वैसे थोड़ा हमारे सचिव महोदया ने थोड़ा बहुत तो बता दिया कि आप छोटे से गांव से हैं, थोड़ा विस्तार से मुझे अपना अपने परिवार के विषय में थोड़ा बताइए, और नौकरी मिलने के बाद परिवार में क्या बदलाव आया है? सर, मुझे पंजाब नेशनल बैंक में नौकरी मिली है। मैं 20 साल हूँ। मेरे मम्मी पापा बहुत ही खुश हैं। आज मैं आपके सामने बातचीत करने का मौका जो मिला है, मुझे इस बात से बहुत खुशी है। मेरे मम्मी पापा कभी सोचे नहीं थे कि मुझे इतनी जल्दी नौकरी मिल जाएगी। मैं इसलिए आपको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आपने इसका प्रोसेस बहुत जल्दी करवाया है। और मैं अभी मेरे मम्मी पापा को फाइनेंशियली हेल्प कर पा रही हूँ। एज माई फादर इज अ लेबर एंड माई मदर इज अ हाउस वाइफ, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग, टू अचीव समथिंग इन माई लाइफ। एंड माई पेरेंट्स ड्रीम वॉज टू दैट आई कुड स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश लाइक ऑफिसर्स। दैट्स वाई they admitted me to the central school. I have completed my class 12 from Kendra Vidyalaya Shatragachi. सुप्रभा जी, आपकी बहुत छोटी आयु में आपको जॉब मिल गई है, तो पढ़ाई तो पूरी नहीं हुई होगी। अब पढ़ाई के क्या सपने हैं, क्या सोच रही हो आप? हाँ सर, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। मैं इग्नू से ग्रेजुएशन कर रही हूँ। अभी अभी मैं आई गॉट वो की इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग है, वहां से मैं कर रही हूँ। एंड एट लास्ट आई वॉन्ट टू से आई हैव गॉट दिस। क्या अनुभव आता है आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म जो बना है, उसका लाभ क्या हो रहा है आपको? सर, ये आई गॉट जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये खास तौर पर स्किल डेवलपमेंट के लिए बनाए गए हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। यहाँ हम अपने जरूरत के हिसाब से कोर्सेस कर सकते हैं। यहाँ तरह तरह के कोर्सेस उपलब्ध है। जैसे कि मैं पब्लिक सेक्टर बैंक में जॉब करती हूँ, यहाँ पर कस्टमर डीलिंग का बात है। यहाँ पर हमें रोज कस्टमर व्यवहार करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर एक कोर्स है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का कोर्स, इससे मुझे बहुत ही फायदा हुआ। इससे मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स अलॉन्ग विद राइटिंग स्किल्स आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। और यहाँ पर एक और चीज है, जैसे कि डिस्कशन हब। यहाँ कोई भी स्टूडेंट्स फ्रीली ओपनली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और हमारे डाउट्स भी क्लियर होते हैं। सुप्रभा जी, अब जब आप बैंकिंग क्षेत्र में हैं, तो बैंकिंग की दुनिया में फिनटेक का महत्व बहुत बढ़ रहा है। डिजिटल ट्रांजेक्शन का क्या अनुभव आता है आपको? जो क्लाइंट आते हैं उनको डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए कभी आपको बात करने का मौका मिलता है? लोगों का उत्साह है? हाँ सर, जैसे कि पीएनबी वन एक ऐप है, हम लोगों को इंस्टॉल करने के लिए बोलते हैं, जिससे कि वो कैशलेस हो जाए, वो ट्रांजेक्शन ऑनलाइन में कर सके, उनको बैंक ना आना पड़े हर चीज के लिए, वो घर बैठे ही सब कुछ कर सके। सुप्रभा जी, जब मैं आप जैसी बेटियों को देखता हूं तो मन गर्व से भर जाता है। आपकी उम्र छोटी है पर सोच बड़ी है। आप अपने परिवार के बारे में, अपनी तरक्की के बारे में बहुत कुछ सोच रही है। आप जैसे युवाओं की सोच को शक्ति देने के लिए हमारी सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं।